टीआईआर की ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 75, इसके अंदर जैसे लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसा ही एक क्वेश्चन है। नीट के लिए रिकमेंडेड नहीं है, सीबीएसई के लिए रिकमेंडेड नहीं है, सिर्फ मेंस के स्टूडेंट इसको देख ले, वो भी इसलिए क्योंकि एडवांस में आया हुआ है कि पता नहीं लगता क्योंकि मेंस के अंदर डाल दे वो। तो एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है एबीसीडी, ये एबीसीडी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। लाइट एंटर करती है, नॉर्मल के साथ एंगल क्या बनाती है, अल्फा मैक्स, जो भी एंगल बनाती है एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो इसके अंदर जानबूझ के उल्टा गिवन है, म्यू वन डेंसर है, म्यू टू रेयरर है, जबकि म्यू टू ज्यादातर डेंसर होता है, पर इसमें म्यू वन डेंसर है, म्यू टू रेयरर है। रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट द सरफेस ए बी ऑफ द स्लैब एज शोन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा मैक्स सच दैट रे कमिंग आउट ओनली फ्रॉम द अदर सरफेस सी डी इज गिवन बाय। तो मैं ये चाहता हूं कि रे सी डी में से निकले, इसका मतलब ऊपर की सरफेस पे क्या हो जाए, टी आई आर। तो मैं ये चाहता हूं राइट यहां से यहां ना निकल जाए, टकरा के वापस आ जाए। तो मेरे हिसाब से डायग्राम ऐसा कुछ, सच दैट ये अल्फा मैक्स है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल ऐसे करते आए हैं हम लास्ट टाइम, ये रिफ्रैक्शन का एंगल और ये क्रिटिकल एंगल की तरह काम करेगा। तो इस सरफेस पे क्या लगानी पड़ेगी, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंगली म्यू टू इंटू साइन ऑफ अल्फा मैक्स इज म्यू वन इंटू साइन ऑफ आर वन। तो ये पहली क्वेश्चन है, इस इक्वेशन में साइन ऑफ अल्फा मैक्स की वैल्यू आ गई, आपको निकालना क्या है, आपको अल्फा मैक्स निकालना है। तो अल्फा मैक्स क्या है, साइन इनवर्स, ये पूरी की पूरी वैल्यू आ गई। तो अब अगर ऑप्शन देखें, ऑप्शन में साइन इनवर्स समथिंग तो चल रहा है, पर आगे कुछ बड़ी सी ये टर्म चल रही है, वैसे ऑब्जेक्टिव ऑप्शन देखते ही पता लग रहा है कि ऑप्शन है, बट चलो और अगर सॉल्व करना है तो आपको आर वन निकालना पड़ेगा। आर वन निकालने के लिए दूसरा जो आपको कॉन्सेप्ट पता है वो ये पता है कि आर वन और आर टू का जो सम है एंगल का वो कितना है, 90। तो इसमें आर वन किसके इक्वल है, 90 माइनस आर टू, लेकिन आर टू जो एंगल है इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली वो क्रिटिकल एंगल है। तो आर टू अगर क्रिटिकल एंगल है तो आर टू की जगह सी पुट कर दिया, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, साइन इनवर्स 1 बाय म्यू, और म्यू के पैर में यहां पर क्या आता है, डेंसर, यहां पर क्या आता है, रेयरर। क्लियर है यहां तक, इसको ब्रेक कर लेते हैं, म्यू टू बाय म्यू वन, ये आर वन की वैल्यू, पूरी आर वन की वैल्यू उठा के यहां पर रिप्लेस कर दो, यहां रिप्लेस कर दो, आंसर मैच कर लेना, आंसर आएगा। क्वेश्चन वही है रिफ्रैक्शन और टीआईआर का, थोड़ी कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, सेकंड क्वेश्चन, देखो क्या है सेकंड क्वेश्चन, आपके सामने एक स्लैब है, ये क्वाइन है, क्वाइन आपको ये बताना है कि अपेरेंट पोजीशन ऑफ द क्वाइन क्या होगी, क्वाइन कितना ऊपर नजर आएगा, रियल डेप्थ क्या है, 4 और 6 10। तो नॉर्मल शिफ्ट क्या होगी, पहली और दूसरी नॉर्मल शिफ्ट को ऐड कर देंगे जैसे सिखाया था, सॉल्व करके 3 आ रहा है, तो क्वाइन 10 पे है, 3 ऊपर नजर आ रहा है, तो क्वाइन एक्चुअल में कहां नजर आएगा, 7 पे नजर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, आंसर 7 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रे ऑफ लाइट फ्रॉम डेंसर मीडियम स्ट्राइक्स अ रेयरर मीडियम एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो ये डेंसर है, ये रेयरर है, रे ऑफ लाइट आती है आई एंगल पर, इंसिडेंट करती है। नेक्स्ट है, द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर। तो लाइट यहां पर कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करती है और कुछ रिफ्रैक्ट करती है, और इनके बीच में एंगल का डिफरेंस क्या है, 90। तो 90 है, द एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आर आर एंड आर डैश, रिफ्लेक्शन आर है, रिफ्रैक्शन आर डैश है। तो आपको बताना है क्रिटिकल एंगल क्या है। तो रूल नंबर 1, आई और आर तो बराबर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन तो बराबर है, आर और आर डैश का सम 90 है क्योंकि बीच वाला एंगल 90 है, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती, और हाँ स्नेल लॉ तो एप्लीकेबल है ही, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, तो म्यू इंटू साइन आई 1 इंटू साइन ऑफ आर डैश। तो म्यू की वैल्यू आ गई, तो म्यू आ गया, लेकिन साइन सी क्या होता है, 1 बाय म्यू, तो इस पूरे म्यू को उठा के नीचे पुट कर दिया, रेसिप्रोकल से ये टर्म आ गई। अब आपको पता है कि आर डैश की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 90 माइनस आर, तो क्या बन गया, साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90 माइनस आर को क्या लिख सकते हैं, कॉस आर, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इंसिडेंस तो बराबर है, आर और आई बराबर है, तो साइन आई बाय कॉस आई की जगह टेन आई, तो सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स टेन आई, ठीक। तो आइडिया समझ में आ रहा है, एक रिफ्रैक्शन और एक टी आई आर, दोनों के रिजल्ट को बस कंबाइन ही करते जा रहे हैं और कोई काम नहीं है इसमें, ठीक है यहां तक, क्लियर है। जैसे ये हमने क्वेश्चन किया था वो कह रहा है, जैसे नीचे लाइट आती है
पानी में से बाहर निकलती है, एरिया निकालो, डायमीटर निकालो, सेम क्वेश्चन है. आई इज केप्ट एट अ डेप्थ ऑफ एच इन साइड वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड व्यूड आउटसाइड, देन डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू विच द आउटर ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल विल बी इक्वल टू वॉट. ये वही केस है, स्विमिंग पूल के किनारे एक बंदा खड़ा है, टॉर्च मारनी है, लास्ट टाइम किया था. तो ये जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, क्रिटिकल. तो ये एंगल भी क्या है, क्रिटिकल. इसके अंदर ये डिस्टेंस क्या है, r, ये डिस्टेंस क्या है, h, ये r और ये h, ये c. तो tan ऑफ c की वैल्यू क्या है, r डिवाइडेड बाय h. ठीक. तो इस केस में आपको डायमीटर बताना है इसका क्या होगा. डायमीटर क्या होगा, r प्लस r, 2r. तो r की वैल्यू क्या होगी, h इंटू टेन ऑफ c. तो डायमीटर की वैल्यू क्या होगी, डायमीटर की वैल्यू होगी 2 इंटू r, r का मतलब h इंटू टेन ऑफ c. तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में टेन सी निकालना है. तो ये तो आपको पता ही है पाइथागोरस से, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो यहाँ से टेन ऑफ सी की वैल्यू क्या आएगी, आर अपॉन, ये जो वैल्यू आएगी यहाँ से पाइथागोरस से ये वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू कुछ ऐसे, या साइन सी निकाल लो. चलो टेन सी तो एच बाय आर है, साइन सी निकाल लो. यहाँ से साइन ऑफ सी क्या आएगा, आर अपॉन दिस टर्म. तेरा साइन सी इसलिए क्योंकि साइन सी वन बाय म्यू होता है क्रिटिकल एंगल से. बस इसको सॉल्व करके आर आ जाएगा, आर को ट्वाइस कर दोगे तो डायमीटर आ जाएगी. ज़्यादा आसान है, टेन से करना थोड़ा सही नहीं है, ये ज़्यादा बेटर है. साइन सी से वन बाई म्यू आ जाएगा और साइन सी ट्राइंगल से भी आ जाएगा, ज़्यादा आसान है. तो इसमें स्मॉल कॉइन इज रेस्टिंग ऑन द बॉटम ऑफ द बीकर फिल्ड विद अ लिक्विड. रे ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉइन ट्रेवल्स अप टू सर्फेस ऑफ द लिक्विड एंड मूव्स अलॉन्ग द सर्फेस ऑफ द फिगर. तो रे है, इधर है, सर्फेस के साथ चली गई, तो पक्की बात है ये एंगल क्या होगा, क्रिटिकल एंगल. तो क्रिटिकल एंगल है. हाउ फास्ट इज लाइट ट्रेवलिंग इन अ लिक्विड. तो लिक्विड में स्पीड बतानी है. पहले म्यू निकाल लें. साइन सी यहाँ से निकल आएगा, 3 डिवाइडेड बाय 5. तो यहाँ से साइन ऑफ सी आ गया, लेकिन साइन सी क्या होता है, 1 बाय म्यू. साइन सी की वैल्यू 3 बाय 5 पुट करके म्यू आ गया. म्यू क्या होता है, सी अपॉन वी. सी स्पीड ऑफ लाइट पता है तो वी आ गया. पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कैसे इस क्वेश्चन को करना है. ठीक, तो आइडिया समझ में आ रहा है. जैसे ये क्वेश्चन है सिक्स्थ, देखो क्या क्वेश्चन है. ग्लास प्रिज्म एबीसी, एबीसी ग्लास प्रिज्म है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1.5 है. पानी के अंदर डाल दिया और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है. रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस ए बी, ए बी के ऊपर नॉर्मल आ रहा है. इफ इट इज टोटली रिफ्लेक्टेड एट फेस ए सी, ए सी पे टी आई आर हो गया. तो आपको बताना है कि थीटा में साइन थीटा किसके इनइक्वालिटी में, बताना है क्या आंसर है. अगर यहाँ टी आई आर हो गया, ये कोई ये सी नहीं है, मैं चेंज कर रहा हूँ, ये सी के इक्वल नहीं है, करेक्शन है. अगर ये थीट है, ज्योमेट्री देखो, प्रिज्म में हमेशा ये ज्योमेट्री बनती है, ध्यान से देख, इधर देखो. अगर ये थीट है तो ये एंगल क्या है, 90. तो ये क्या है, 90 माइनस थीटा. ये नॉर्मल है, टोटल एंगल ये कितना है, 90. तो अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये क्या है, थीटा. तो ये सी नहीं है, एक्चुअल में क्या होना चाहिए, ये क्या है, थीटा. तो आपका एंगल, क्योंकि यहां पर टी आई आर हो गया, आपका ये वाला इंसिडेंस का एंगल क्या आया, थीटा. अगर आपको पता है कि यह टी आई आर हो गया तो आपका एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल, है ना. तो ग्रेटर देन क्रिटिकल होगा तभी टी आई आर होगा. दोनों तरफ साइन लगा दो, साइन थीटा ग्रेटर देन साइन सी. अब साइन सी क्या होता है, 1/μ. रूल है कि ये डेंसर ये रेयरर. आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास और वाटर का गिवन है, तो ग्लास डेंसर गिवन है और वाटर रेयरर गिवन है. इसको ब्रेक करके लिखेंगे ये टर्म आएगी. आपको दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, तो साइन थीटा की इनइक्वालिटी में आंसर मार्क कर लेना. तो रूल समझ में आ रहा है कि थीटा ग्रेटर देन क्रिटिकल से कैसे करना है. तो पहला स्टेप ये रहेगा
दूसरे स्टेप में साइन लगेगा, इसकी वैल्यू 1 बाय म्यू से आएगी, फिर आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, प्लेन मिरर इज प्लेस, याद है हमने वो पिछली बार फिश और बर्ड वाली प्रॉब्लम की थी, तो सेम है ये। तो ये मिरर है, प्लेन मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है यहाँ से, h। तो कह रहा है कि इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ऑब्जर्वर o वर्टिकली अबव p आउटसाइड द लिक्विड c इज p, तो ऑब्जर्वर p को देखता है और साथ में इसकी इमेज को भी देखता है। आपको डिस्टेंस बताना है ऑब्जेक्ट में और इमेज के बीच में दूरी क्या है। तो ये बताओ कि इसको जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ दिखता है। तो मान लो जैसे ये डेप्थ d है, इमेजिन कर ली मैंने, एलिमिनेट कर दूंगा, ये h है तो d माइनस h है। तो मैं ऑब्जर्वर यहाँ की बजाय यहाँ ले रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जर्वर का ये डिस्टेंस दोनों केस में, चाहे इमेज देखो चाहे ऑब्जेक्ट देखो, कॉमन ही आने वाला है, माइनस ही होना है, फर्क नहीं पड़ता। तो ऑब्जेक्ट से ये डिस्टेंस कितना है, d माइनस h, पर एक्चुअल में d माइनस h पे दिखेगा नहीं, कहाँ पे दिखेगा, d माइनस h बाय म्यू पे दिखेगा। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता लग गई। अब इसकी जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, नीचे बनेगी। मिरर इमेज कहां बनाएगा, एच पे बनाएगा। तो ये ऑब्जर्वर अगर यहां पे है तो ये डिस्टेंस कितना है, डी, और इमेज का, इसकी इमेज कहां बनेगी, एच पे। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, डी प्लस एच। लेकिन हमें कहां दिखेगा, डी प्लस एच बाई म्यू, क्योंकि ऑब्जर्वर एयर से पानी में देख रहे हैं। तो दोनों के बीच में दूरी क्या होगी, दोनों को माइनस करके आंसर आ जाएगा। ठीक है यहां तक? तो दोनों के बीच में आंसर आएगा। हालांकि इसका शॉर्टकट भी लग सकता था, सीधा शॉर्टकट में ये था कि ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज भी एच पे बनेगी, तो टोटल दूरी क्या है, 2h, 2h by mu आंसर। कुछ करना ही नहीं था, 2h by mu आंसर। पानी के अंदर है ना, पानी का डिस्टेंस 2h by mu, एयर का, एयर के अंदर जो बंदा देखेगा वो 2h by mu आंसर बोलेगा, आंसर एक ही लाइन में वैसे ही आंसर आ गया। ये ज़्यादा बेटर नहीं है सेकेंड वाला? ठीक है ना, फिर से सेकेंड वाला, पानी के अंदर डिस्टेंस एच है, इमेज भी एच है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज में दूरी 2h है। ये तो वो लोग बोलेंगे जो पानी के अंदर देख रहे हैं, पर आप तो एयर में देख रहे हो, तो एयर में डिस्टेंस 2h को म्यू से डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट, 8th। क्वेश्चन है, लाइट जो है टेक्स टी वन सेकेंड टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ एक्स इन वैक्यूम, तो वैक्यूम के अंदर स्पीड क्या होगी, सी डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर किसी और मीडियम में डिस्टेंस 10x है और टाइम t2 है, तो स्पीड v हो जाएगी 10x बाई t2।
तो ये सी आ गया, ये वी आ गया, आपको क्या निकालना है? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? साइन सी डैश इज 1/μ, म्यू क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, रेसिप्रोकल लेंगे तो ये टर्म आएगी। तो इसके अंदर वी पता है, सी पता है, वैल्यूज को पुट करो तो यहां से साइन सी डैश की वैल्यू आएगी और साइन सी डैश से सी डैश कैन बी कैलकुलेटेड। आंसर ठीक है यहां तक? ठीक, ये हमने कर लिया, रिपीट है।